नंबर 1 न्यू मैसेंजर। तो गाइस इस अपडेट के साथ हम सबको गेम के अंदर देखने मिलने वाला है एक ब्रांड न्यू लॉबी मैसेंजर कंपेनियन। जी हाँ गाइस, स्क्रीन पे देखिए काफी क्यूट सा है एंड इसके सर पे एक हेलमेट है जिसके अंदर एक स्क्रीन भी आप देख सकते हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली गाइस ये कंपेनियन सिर्फ सुपर सीजन 1 तक ही सीमित रह सकता है एंड ये सबको बिल्कुल फ्री में भी मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये कंपेनियन सिर्फ लॉबी में ही रहेगा, यहीं पे घूमता रहेगा एंड आप इसे गॉडजिला या फिर फाल्कन की तरह मैच के अंदर नहीं ले जा सकते। एंड लॉबी में घूमते हुए डांस करने के अलावा इसका काम रहेगा कोई भी नए मैसेजेस कोई भी नई नोटिफिकेशंस गेम में आती है तो ये अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करके आपको बता देगा। मुझे तो ये नया मैसेंजर बहुत ज्यादा क्यूट लगा, आप लोगों को कैसे लगा गाइस आप कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 2 एडवांस्ड पिकअप सेटिंग्स। तो गाइस अगर आप लोग अभी तक परेशान थे कि आप जो भी गन पिकअप करते हैं उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कोई भी अटैचमेंट लग जाती है जो आप नहीं चाहते, मेरे साथ तो ये कई बार होता है एंड आई एम श्योर आपके साथ भी होता ही होगा। तो गाइस इस अपडेट के बाद एक नया फीचर आने वाला है जहां पे हम लोग हर एक गन के ऊपर अपने हिसाब से अपनी फेवरेट ऑप्टिमल अटैचमेंट लगा के रख सकते हैं एंड जब हम लोग गेम के अंदर लूट कर रहे हैं एंड आपकी फेवरेट अटैचमेंट वहां पे पिकअप हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो गन के ऊपर लग जाएगी। एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर आपको गेम में हाफ ग्रिप मिली है जो आपने M416 पे लगा के रखी है बट अगर आपने यहाँ पे ऑप्टिमल अटैचमेंट्स में वर्टिकल फोर ग्रिप को सिलेक्ट करके रखा है तो जैसे ही आपको वर्टिकल फोर ग्रिप मिल जाएगी ऑटोमेटिकली वो हाफ ग्रिप को रिप्लेस करेगी एंड गन के ऊपर लग जाएगी। यहाँ पे आप लोग गेम के अंदर जितनी भी गन्स है असॉल्ट राइफल बोल्ट एक्शन ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल्स SMG शॉटगन सब के लिए यहाँ पे सेटिंग्स करके रख सकते हैं। नंबर 3 कस्टमाइज सेंसिटिविटी। अभी तक हम लोग गेम के अंदर सिर्फ एक ही ओवरऑल सेंसिटिविटी सेट करके रख सकते थे जो हर एक गन के ऊपर एप्लीकेबल हो जाती थी बट इस 1.5 सुपर सीजन अपडेट के बाद ये चीज अब चेंज होने वाली है एंड यहाँ पे हम लोग हर एक गन के लिए अपनी अलग से सेंसी सेट करके रख सकते हैं, फिर चाहे वो असॉल्ट राइफल हो स्नाइपर राइफल हो LMG हो या फिर भले पिस्तौल ही क्यों ना हो। कस्टमाइज सेंसिटिविटी में आके यहाँ पे हर एक गन को आप ऐड कर सकते हो एंड अपने हिसाब से सब कुछ यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। नंबर 4 न्यू स्पॉन आइलैंड। तो गाइस जैसे कि हम लोगों ने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था, इस नए अपडेट के साथ क्राफ्टन ऑलरेडी पब्जी न्यू स्टेट की टेस्टिंग करना शुरू कर चुका है एंड एक काफी फ्यूचरिस्टिक मोड भी आने वाला है जिसका नाम है मैट्रिक्स मोड। तो उसी के चलते यहाँ पे स्पॉन आइलैंड पे कुछ चेंजेस हमें यहाँ पे देखने मिल रहे हैं जैसे कि कन्वेयर बेल्ट एंड अगर हम लोग बात करें कंटेनर्स की जो यहाँ पे पड़े रहते थे तो यहाँ पे भी कुछ टेक्सचर चेंज करे गए हैं एंड यहाँ पे काफी फ्यूचरिस्टिक लुक इन्हें दिया गया है एंड यहाँ पे एक लोगो भी देखिए जो हम लोग को हाइपरलाइन स्टेशन पे दिखा था तो इस तरीके का एक लोगो यहाँ पे भी है। फिर बात करते हैं एयर कन्वेयर्स के, तो एयर कन्वेयर्स भी यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। वैसे तो गाइस आई डोंट थिंक इन्हें हम लोग स्पॉन आइलैंड पे यूज कर पाएंगे, इन्हें हम लोग सिर्फ रेंगल मैप के अंदर ही यूज कर सकते हैं। एंड फिर एक यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी देखी गई है, फिलहाल तो इसके ऊपर काम चल रहा है ऐसे ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ और खास तो नहीं ऐड किया। ये बिल्डिंग आने वाले अपडेट के साथ कुछ और भी अपग्रेडेड देखने मिल सकती है। नंबर 5 न्यू ट्रांजिट सेंटर। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो तो फिलहाल इस मैट्रिक्स मोड के साथ कोचिंग का नाम अब चेंज होने वाला है एंड टाइम रिंग इसका नाम होने वाला है ट्रांजिट सेंटर। फिलहाल तो कोचिंग के अंदर काफी सारी फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स को ऐड कर दिया गया है एंड जो हाइपरलाइंस पूरे इरांगल आइलैंड पे घूमती है तो उनका एक सेंटर होने वाला है यानी कि एक जंक्शन होने वाला है। सभी हाइपरलाइंस कोचिंग से पास होते हुए जाएंगी एंड यहाँ पे कई सारी हाइपरलाइंस आपको पार्क पोजीशन में भी देखने मिल जाएगी। तो यहाँ पे पुरानी जो कोचिंग की बिल्डिंग्स है उनको रिप्लेस किया है एंड काफी सारी न्यू बिल्डिंग्स को ऐड किया है। इसी वजह से गाइस फिलहाल तो यहाँ पे काफी सारी लूट भी आप देखोगे तो हवा में फ्लोट होते हुए दिखेगी क्योंकि यहाँ पे फिलहाल वर्क इन प्रोग्रेस है एंड एक्चुअल अपडेट में ऐसा नहीं होने वाला, हम लोग को एक फिनिश प्रोडक्ट मिलने वाला है। यहाँ की मेन बिल्डिंग देखिए, ये है ट्रांजिट सेंटर एंड जो भी हाइपरलाइन का टाइम वगैरह है सब कुछ यहाँ पे दिया गया है एंड ये एक बहुत ही मेजर हॉट ड्रॉप भी होने वाला है। तो पोचिंग की तो यहाँ पे पूरी काया पलट हो चुकी है एंड मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे इसे देख के, काफी फ्यूचरिस्टिक एंड काफी कमाल का बनाया है एंड आई एम श्योर गाइस आपको भी पसंद आने वाला है। नंबर 6 मैट्रिक्स एरिना। तो गाइस अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ये सारी फ्यूचरिस्टिक चीजें गेम के अंदर क्यों आ रही है तो गाइस यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है, फिलहाल यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि ये चीज क्या है। तो यहाँ पे लिखा है द टेक्नोलॉजी इंजन एनकोर हैज मेड ब्रेक थ्रूज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डायनाहेक्स हैज स्टार्टेड अ न्यू राउंड ऑफ लार्ज स्केल टेस्टिंग। तो डायनाहेक्स नाम की एक कंपनी है, आई थिंक वो जो लोगो देखा है हम लोगों ने गोल सा लोगो चेन की तरह वो शायद डायनाहेक्स कंपनी का लोगो है। एज द लाइट ब्लू पार्टिकल स्प्रे आउट द यूथ सेल मैट्रिक्स एयरशिप ग्रेजुअली राइजेस एंड फ्लाइज ओवर द आइलैंड। तो गाइस यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया एक एयरशिप का जिसका नाम है सेल मैट्रिक्स एयरशिप। तो हो सकता है गाइस आने वाले अपडेट में हम लोग को स्काइज में एक बहुत ही ह्यूज एयरशिप देखने मिले। अगर आपने इंडिपेंडेंस डे नाम की मूवी देखी है तो आप इमेजिन कर सकते हो किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है ऐसी एक चीज हम लोग को यहाँ पे मैट्रिक्स एरिना में देखने मिले। यूज दिस सेल ऑन द ग्राउंड टू रीच दिस सेल मैट्रिक्स इन द एयर एंगेज इन वर्चुअल ट्रेनिंग कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल प्रोटेक्शन डिवाइस कंप्लीट द ट्रेनिंग गेट ग्रेट कॉम्बैट सप्लाई रिवॉर्ड्स। तो यहाँ पे गाइस जमीन के ऊपर एक सेल नाम की कोई चीज होने वाली है, फिलहाल तो मैं आइडिया नहीं लगा पाया मोड़ खेल के या मे बी अभी तक ऐड नहीं की गई है एंड वहाँ पे जाने के बाद हम लोग सीधा जा सकते हैं सेल मैट्रिक्स में उस स्पेसशिप के उस एयरशिप के अंदर एंड वहाँ पे कोई ट्रेनिंग वगैरह हम ले सकते हैं एंड हम लोग को काफी कमाल के रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं। नंबर 7 न्यू शिप। तो गाइस जॉर्जोपोल के नजदीक में एक ब्रांड न्यू शिप आ चुका है, फिलहाल तो गाइस ये वाला शिप स्टेबल है एंड यहाँ पे हम लोग इस शिप के ऊपर लैंड करने की पहले कोशिश करते हैं। यहाँ से नजारा तो काफी बढ़िया लग रहा है, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं शिप को, देखते हैं व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पे कुछ लूट वगैरह भी स्पॉन होने वाली है कि नहीं। यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स रखे हैं, ये शायद जॉर्जोपोल के लिए कंटेनर्स लेके आ चुका है शिप। आपको वैसे पता ही है जॉर्जोपोल एक्चुअली एक पोर्ट है एंड वहाँ पे भी काफी सारे चेंजेस हैं जो इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे शिप के ऊपर हम लोग को कहीं पे भी कोई भी लूट नहीं मिली बट हो सकता है गाइस फिलहाल इन्होंने लूट ऐड नहीं की है एंड मे बी एक्चुअल अपडेट आ जाएगा या फिर इसी बीटा वर्जन पे नेक्स्ट अपडेट आएगा तो यहाँ पे शायद हम लोग को कुछ लूट भी देखने मिले क्योंकि ऐसी बिना मतलब के शिप ऐड करने का तो कोई पॉइंट नहीं बनता। ठीक है तो गाइस कमेंट करके बताइए कैसे लगा आप लोग को ये वाला शिप। नंबर 8 फ्यूचरिस्टिक जॉर्जोपोल पोर्ट। तो गाइस इस मैट्रिक्स मोड के अंदर जॉर्जोपोल की तो पूरी काया पलट होने वाली है, यहाँ पे काफी ह्यूज एंड मेजर चेंजेस हम लोग को देखने मिलने वाले हैं।
जैसे कि आप लोग फिलहाल अभी देख भी सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा बदल दिया गया है। यहाँ पे नए नए बिल्डिंग्स एंड काफी सारी चीजें ऐड कर दी गई है। यहाँ पे इस तरीके का कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल भी ऐड किया है जो इसी रास्ते पे आगे पीछे घूमता रहेगा। एंड इसके ऊपर एक कंटेनर भी है, चाहे तो आप इस कंटेनर के अंदर जाके छुप भी सकते हो एंड यहीं से मूव भी कर सकते हो, एनिमी के साथ फाइट भी ले सकते हो। इसके अलावा एक काफी ह्यूज यहाँ पे बिल्डिंग ऐड की है एंड ये काफी मेजर हॉट ड्रॉप होने वाला है इस मोड का। यहाँ पे अंदर के साइड कुछ रैंप्स या फिर लिप्स ऐड की है जिनके ऊपर आप खड़े हो जाओगे तो किसी भी माले पे जा सकते हो। अगर आपको लिफ्ट से जाना पसंद नहीं है तो आपको यहाँ पे सीढ़ियाँ भी मिल जाएंगी एंड यहाँ पे काफी बढ़िया बढ़िया लूट भी मिलने वाली है। जॉर्जोपोल के वेयर हाउसेस की बात करें तो वेयर हाउस तो पूरे बदल दिए गए हैं, पहचान में भी नहीं आ रहे, काफी फ्यूचरिस्टिक एंड काफी हाईटेक लग रहे हैं। एंड इसके अंदर भी कुछ कुछ चीजें इन्होंने डाली है, हो सकता है गाइस यहाँ पे और भी हम लोग को गैजेट्स वगैरह आने वाले अपडेट के साथ देखने मिले। एंड ये रही गाइस जॉर्जोपोल की गैंट्री क्रेन्स जिनके ऊपर चढ़ने के लिए वैसे तो हम लोग को सीढ़ियां मिलती है, बट ये है फ्यूचरिस्टिक गैंट्री क्रेन्स तो यहाँ पे सीढ़ियों की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं क्रेन्स के नीचे इस तरीके की एक लिफ्ट हमें मिल जाएगी एंड इस येलो स्क्वायर के ऊपर आप जाके खड़े हो जाओगे तो ये सीधा आपको ले जाएगा इस गैंट्री के ऊपर। तो गाइस ये देखिए जॉर्जोपोल पूरा का पूरा फ्यूचरिस्टिक जॉर्जोपोल 2050, तो ये बहुत बढ़िया लगा एंड बहुत सारे चेंजेस है, मस्त बनाया एकदम। पबजी न्यू स्टेट का पूरा टेस्टिंग यहाँ पे चल रहा है। नंबर 9 ऑटो जंप फीचर। तो गाइस जिन लोग को लैंडिंग करने में दिक्कत होती है या टाइम से एकदम तेजी से लैंड नहीं कर पाते तो उनके लिए यहाँ पे काफी बढ़िया चीज आने वाली है इस अपडेट के साथ। जी हाँ गाइस, आप अब ऑटो जंप कर पाओगे। आपको बस मैप के ऊपर एक पॉइंटर लगाना है एंड कमाल की बात तो ये है कि जहाँ पे आप लोग मार्क करोगे वहीं से आपको एक येलो कलर की लाइन भी दिख जाएगी, तो आराम से आप पहचान पाओगे कि आपको किस जगह पे जाना है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल टच नहीं किया, ये ऑटो जंप पे है एंड मैंने जो पॉइंट मार्क किया है, देखते हैं क्या हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं। बेसिकली गाइज ये आपको फास्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रूट से लेके जाएगा, बट सिर्फ आपको उस येलो लाइन के ऊपर ही लेके जाएगा। बट अगर आप उस येलो लाइन के ऊपर एक्जैक्टली जमीन पे टच करना चाहते हो तो आपको ऑटो जंप को कैंसिल करना पड़ेगा मिडवे एंड फिर थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। नंबर 10 मिलिट्री सिक्योरिटी सेंटर। तो गाइस इस मैट्रिक्स एरिना मोड के अंदर शासनोव का मिलिट्री बेस का नाम होने वाला है मिलिट्री सिक्योरिटी सेंटर एंड यहाँ पे काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी चलती रहेंगी। मे भी हो सकता है यहाँ पे हम लोग को कुछ और भी चीजें देखने मिले, बट यहाँ पे गाइस बिल्डिंग्स देखिए, काफी बड़ी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग्स यहाँ पे ऐड की है। यहाँ पे जो पुराने स्ट्रक्चर्स है उनको रिप्लेस किया है एंड काफी नए नए बिल्डिंग्स को यहाँ पे ऐड किया है, सारी फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स है एंड साइज में भी काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। तो यहाँ पे गाइस बहुत हॉट ड्रॉप होने वाला है एंड काफी बढ़िया लड़ाई भी यहाँ पे होने वाली है। तो थोड़ा सा गाइस यहाँ पे मैं वीडियो प्ले करके रख देता हूँ, देख लीजिए कई सारे नए नए स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ऐड किए हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि सेसनोव का मिलिट्री बेस किस तरीके से हम लोग को देखने मिलने वाला है इस अपडेट के साथ इन दी मैट्रिक्स एरिना मोड। ऑल राइट गाइस, तो ये थे और 10 नए फीचर्स जो हम लोग को गेम के अंदर नए अपडेट के साथ 1.5 सुपर सीजन में देखने मिलने वाले हैं। एंड वैसे पहले वाले 10 अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन पे चेकआउट कर लीजिए, लिंक है वहाँ पे। एंड अगर आप बैटल ग्राउंड्स के फैन हो तो मिस आउट नहीं कर सकते फीचर्स, क्योंकि काफी बढ़िया एंड काफी ह्यूज अपडेट होने वाला है। एंड ये सारी चीजें गाइस BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में भी आने वाली है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग गाइस, विंजो चेकआउट करिए, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। काफी लेजिट, काफी जेन्युइन प्लेटफॉर्म है एंड काफी अच्छी अर्निंग आप वहाँ पे कर सकते हो। तो गाइस वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक दे देना, चैनल आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो गाइस क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तुरंत इमीडिएटली एंड एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना और मैं मिलता हूं आपको बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइस एंड टेक केयर।